हूं तो कई बार मन में आता है कि कौन सा चरित्र कहूं कौन सा न कहूं। प्रत्येक चरित्र की अपनी एक सुवास है, जैसे हर फूल का अपना एक रंग है, अपनी एक खुशबू है, उसका अपना एक सौंदर्य है। ऐसे इस भक्तमाल में वर्णित प्रत्येक भक्त चरित्र की अपनी एक सुवास है, प्रत्येक भक्त चरित्र का अपना एक दिव्य अनुभव है, हर भक्त का चरित्र अपने आप में कोई अलग गुण समेटे है। और इन भक्तों के इन चरित्रों का अवलोकन करने पर लगता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के भक्तों के ये गुण देखकर लगता है कि कैसे इन भक्तों के हृदय में विराजने वाले भगवान अनंत रूप हैं। आज जिस भक्त का चरित्र कहने का संकल्प मन में आया, या ऐसा समझ लो श्री ठाकुर जी की इच्छा हुई वो चरित्र श्रवण करने की, क्योंकि ये संतों का अपना निजी अनुभव है, हरि को निज जस ते अधिक भक्तन जस पर प्यार। उनको अपना नाम अपना गुण सुनना इतना रुचिकर नहीं है जितना अपने भक्तों का गुणानुवाद सुनना प्रिय है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि महाराज जी आप भागवत की कथा नहीं कहते, तो श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, अभिनंदनीय है, वंदनीय है, पूज्य है, आराध्य है, पर फिर भी चित्त में प्रेम का उदय, चित्त में भक्ति का उदय, ऐसी भक्ति जो अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो, ऐसी भक्ति जो केवल अपने आराध्य को सुख देने की भावना रखती हो, ऐसे विशुद्ध भाव का उदय बिना भक्तमाल का श्रवण किए नहीं होता। इसलिए भक्तमाल के रचनाकार कहते हैं बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्तमाल का चिंतन और मनन किए भक्ति का स्वरूप हृदयंगम नहीं होता। जिस प्रकार बिना मीरा का परिचय पाए कोई गिरधर लाल का अनुभव नहीं कर सकता, जिस प्रकार बिना तुलसी हुए कोई राम के ऐश्वर्य और माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार बिना इन भक्तों का आश्रय लिए भगवान की जो भक्ति है, देखो वाह प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम न चीन्हे कोई। भक्ति का आज साधारणीकरण हो गया है, आज साधारण सी क्रिया भी भक्ति है। मैं तो कई बार कहता हूं आप पीपल को डोरा बांधते हो आप समझते हो ये भी भक्ति है। आप शनिदेव को तेल चढ़ाते हो आप लगता है ये भी भक्ति है, पर भक्ति का स्वरूप इससे विलक्षण है। भक्ति का स्वरूप वस्तुतः अनिर्वचनीय है, कहने सुनने में नहीं आता। भक्ति का स्वरूप केवल भक्त जानता है या भगवान जानते हैं, या फिर जिस पर भक्त की और भगवान की कृपा होती है वो जानता है। लेकिन एक बात निश्चय है, एक बात प्रतिष्ठित है और प्रमाणित है कि बिना भक्ति के स्वरूप का आस्वादन किए जीव विश्राम नहीं पाता। शंकर जी अपना अनुभव कहते हैं, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन मिटई नहीं क्लेसा। बिना इनके चरण कमलों का आश्रय लिए जीव का क्लेश निवारित नहीं होता, भटकन को विश्राम नहीं मिलता, संसार से अपने पुण्य और प्रारब्ध से अपने प्रयास और प्रताप से जीव पाता चला जाता है खोता चला जाता है। और यही पाने और खोने की संस्कृति जीव को अनंत अनंत काल तक भटकाती है, पीड़ित करती है, त्रिताप देती है। और यदि इसी यात्रा में कभी सत्संग मिल जाता है, किसी ऐसे साधु का संग मिल जाता है, किसी ऐसे संत का संग मिल जाता है जिसके लिए तुलसी कहते हैं कि तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, जीव का सौभाग्य उदय हो जाता है और भक्ति का इस भाव का बीज पड़ जाता है। बड़ी बात केवल इतनी है कि हृदय में मन में चित्त में इस विशुद्ध भाव का बीज पड़ जाए। बीज पड़ेगा तो वो आज नहीं तो कल समय पाकर फलीभूत हो जाएगा, भले देर से होगा लेकिन हो जाएगा। इसलिए कबीर कहते हैं हरिसों लागे रहो मेरे भाई, सत्संग करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक आपको सत्संग में आनंद ना आने लगे। भगवत कथा तब तक श्रवण करो जब तक भगवान के गुण मीठे ना लगने लगे। एक समय ऐसा आएगा जब संसार की विस्मृति हो जाएगी, एक समय ऐसा आएगा जब संसार के दुख संसार की पीड़ा का विस्मरण हो जाएगा, क्योंकि भगवत कथा का ऐसा स्वभाव है,
भगवत कथा का ऐसा प्रभाव है, भगवत कथा का ऐसा प्रसाद है, भगवत कथा का ऐसा प्रताप है, भगवत कथा ये भक्तों के चरित्र संजीवनी विद्या है। मन मृत प्राय हो जाता है विषय का भोग कर करके। जैसे क्या होता है कि एक स्थान पर जब पुनः पुनः चोट लगती है तो पीड़ा होनी कम हो जाती है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब उसी स्थान पर बार बार चोट लगने से बहुत अधिक पीड़ा का अनुभव नहीं होता। ठीक ऐसा ही हमारे साथ में है। मन बार बार विषय का सेवन करता है, बार बार दुख पाता है, लेकिन अनंत काल से इतना दुख पा चुका है कि अब दुख दुख नहीं लगता, अब पीड़ा पीड़ा नहीं लगती, इसीलिए हम इससे छूटने का प्रयास नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते। लेकिन सत्संग संजीवनी विद्या है। गोपी कहती है, तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषात्वम्। श्रवण मंगलम्। श्रवण मात्र से मंगल होता है जीव का। और का जानो कब भाग जगी है, क्या मालूम कब भाग्य उदय हो जाए, क्या मालूम कब प्रभु की दृष्टि इस मन चित्त पर पड़ जाए, क्या मालूम कब इस भाव का बीज हृदय में पड़ जाए, कब पुष्पित पल्लवित हो जाए और जीवन की दशा बदल जाए। इसलिए सत्संग तब तक करो जब तक सत्संग में मन न लगने लगे, और जब मन लगने लगेगा तब आपको करना नहीं पड़ेगा, तब सत्संग होने लगेगा। भगवान नाम तब तक जपो। आप कहते हैं कि भजन में मन नहीं लगता, किसका लगता है? परंतु भजन है किस लिए? भजन मन को लगाने के लिए ही तो है, भजन संसार के विस्मरण के लिए ही तो है। भजन में मन ना लगे तो कोई विशेष बात नहीं है, सबके साथ होता है। लेकिन भजन करने से ही भजन में मन लगता है, कथा श्रवण करने से, सत्संग श्रवण करने से ही सत्संग में रुचि होती है। आरंभिक सत्संग में रुचि तो किसी पुण्यात्मा की होती है, जिसका पुण्य संचित होता है। स्वभाव से ही सत्संग तो उसको प्रिय लगता है जिसको भगवान संसार में भक्त बनाकर भेजते हैं, जिसको भक्ति के सांचे में ढाल कर भेजते हैं। वो ऐसा पुण्यात्मा तो कोई विरल आता है जिसको स्वभाव से भगवान प्रिय लगे, वो भगवत स्वरूप होता है। लेकिन जीव तो स्वभाव से दुष्ट है, जीव तो स्वभाव से विमुख है, उसको स्वभाव से भगवान प्रिय नहीं लगते, प्रयास से प्रिय लगते हैं। इसलिए बार बार प्रयास करना चाहिए, बार बार सत्संग सुनना चाहिए। तब तक माला करो जब तक माला छूट नहीं जाए, तब तक माला जपो हाथ से जब तक आपको माला की आवश्यकता न रह जाए, तब तक भगवान नाम जपो जब तक आपको भगवान नाम जपने का चाव नहीं पड़ जाए, जब तक रसना को इस बात का चाव ना हो जाए तब तक नाम जपो। लेकिन भरोसा रखो, प्रतीति रखो कि जपने से ही, रटने से ही एक दिन ऐसा आएगा जब ये बात स्वभाव में आ जाएगी। जिस प्रकार जन्म जन्मांतर से विषय का भोग करते आज विषय में सुख प्रतीत होता है, अभ्यास ही तो है, सारी बात अभ्यास की है। इसीलिए गीता में भगवान ने मन को वश में करने का जब उपाय बताया तो सबसे पहला शब्द भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, अभ्यास एंतु कौन्ते वैराग्येण चक्रियते। जिस प्रकार बार बार विषय का अभ्यास करने से, आपने कहावत सुनी होगी ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, माने जड़ में भी प्राण आ जाता है। संसार के विषय की कोई सत्ता नहीं है, और आप देखो छोटा सा सुख पाने के लिए जीव अपना जीवन लगा देता है, उसके लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं है। ये किस लिए है? क्योंकि संसार के विषय का अभ्यास इतना हो गया है कि उसी में सुख प्रतीत होता है। ऐसे भजन का अभ्यास करोगे, सत्संग का अभ्यास करोगे, तो सत्संग का और भजन का अभ्यास करते करते एक दिन फिर संसार फीका लगने लगेगा। जैसे तुलसी कहते हैं, अब मोहे राम लागते मीठे, अभ्यास एंतु कौन्ते वैराग्येण चगृह्यते। और दूसरी बात जिसको कहकर मैं कथा में प्रवेश करना चाहूंगा वो ये कि भगवान कृपा साध्य हैं, अपनी कृपा से प्राप्त होते हैं। और कृपा किस पर होती है? जिसको भगवान सच्चे मन से, निष्कपट हृदय से, निश्चल प्रयास करते देखते हैं। जीव अपने प्रयास से पहुंच नहीं सकता, मैंने कल भी कहा, आप और मैं उनको खोज नहीं सकते। लेकिन जब भगवान किसी को देखते हैं कि ये व्यक्ति सच में प्रयास कर रहा है,
ये प्रयत्न करता है मुझ तक आने के लिए, ये बार बार संसार के प्रलोभन को ठुकराता है, ये बार बार संसार की ओर से दृष्टि हटाकर मेरी ओर दृष्टि डालना चाहता है। भगवान नजर नहीं आते, आरंभ में प्रभु दृष्टि में नहीं आते, हम भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन संसार से दृष्टि हटाकर उनको देखने की तैयारी कर सकते हैं। बिल्व मंगल ने कल अपनी आंख फोड़ ली, अपने उन नैनों को दंड दिया, किस लिए? क्योंकि वो नैन संसार से हट नहीं रहे थे, इसलिए संसार से हटाने के लिए। बिल्व मंगल ने कहा कि प्रभु अंतःकरण में भी आप प्रकट हो ये मेरे वश की बात नहीं है, मैं आपको नहीं देख सकता, ये मेरे प्रयास, ये मेरे सामर्थ्य से बाहर की बात है, लेकिन मैं संसार से तो दृष्टि हटा सकता हूं, ये सामर्थ्य तो आपने मुझे दी है। जब भगवान देखते हैं कि सच में कोई प्रयास करता है, जब कोई सच में संसार से दृष्टि हटाता है, फिर बहुत अधिक देर तक प्रभु छिपे नहीं रह सकते उससे। इसलिए आपके और मेरे हाथ में निश्चल प्रयास करना है, और जो निश्चल प्रयास करता है वही कृपा पात्र बनता है, और उनकी कृपा से जब कोई कृपा पात्र बनता है, पात्रता अपने प्रयास से भी आती है। बहुत लोग बिना गुरु के भजन करते हैं, साधन करते हैं, मैंने देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पतन हो जाता है, कहीं ना कहीं वो ठिकाने पहुंचते नहीं। और जब यही प्रसाद प्रभु की कृपा से मिलता है, फिर जीव की उत्तरोत्तर उन्नति होती है। इसलिए प्रभु से इतनी कृपा की याचना हो कि प्रभु आपके मार्ग पर मैं निष्कपट प्रीति से चल सकूं, पहुंचूं नहीं पहुंचूं ये आपके हाथ की बात है। मीरा गाती है कि गिरधर हमारी अर्जी सुन लो, मानो न मानो थारी मर्जी, लेकिन मेरी अरज एक इतनी है, मेरे मन की अभिलाषा एक इतनी है, मेरे मन में एक इच्छा केवल एक यही है कि देखूं तो तुम्हें देखूं, सुनूं तो तुम्हें सुनूं, और ये जीवन हो तो केवल तुम्हारे लिए हो, ये मेरे मन की एक अभिलाषा है। और कोई जीव को ही प्रेम करना आता हो ऐसी बात नहीं है, जीव जो प्रेम करता है वो तो उसकी कृपा और उसके प्रसाद से ही करता है। वस्तुतः तो प्रेम करने वाले केवल एक वो हैं। जीव जब प्रेम करता है ना तो बड़ा थोड़ा करता है, बिंदु है, उतना ही इसका प्रयास है, उतना ही इसका दान है। और वो जब प्रेम करते हैं, वो जब कृपा करते हैं, तो वो अगाध और अबाध होती है। आप और मैं करें केवल इतना कि इस जीवन में इस प्रयास को स्थान दे दें कि हमको निर्मल हृदय से भजन के मार्ग पर चलना है। एक संकल्प मन में हो जाए, एक भाव मन में बैठ जाए, और मैं आपसे व्यास गादी से ये बात प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि जिसके जीवन में ये संकल्प होता है, केवल केवल एक संकल्प, वो भजन करे न करे, वो इस मार्ग पर चले न चले, लेकिन जिसके जीवन में ये संकल्प होता है कि मुझे इसी जन्म में भगवान को पाना है, इसी संकल्प के साथ उसके जीवन में परिवर्तन आरंभ हो जाता है, इसी संकल्प के साथ उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। कहीं चल के जाना नहीं है, कल मैंने निवेदन किया था ना, सफर तो केवल तन से मन का है, इस देह से अपनी आत्मा तक पहुंचना है, कहीं बाहर नहीं चल के जाना है। सर्वनिवासी सदा समीपा सोए संग समाई, इसलिए नानक कहते हैं, कह नानक बिन आपा चीन है मिटे न भ्रम की काई। कहीं बाहर जाना नहीं है, भीतर तक जाना है, स्वयं तक जाना है, लेकिन जो संकल्प लेता है उसी की यात्रा आरंभ होती है। और भयभीत होने की आवश्यकता उसको नहीं है जो बार बार चलता है और बार बार गिरता है, भयभीत तो उसको होना चाहिए जो अभी तक चला ही नहीं, जिसने चलना आरंभ भी नहीं किया, या फिर जिसके मन में, जिसके हृदय में चलने की कोई आशा अभिलाषा भी नहीं है। संसार में दुख मिले ये कोई डरने घबराने की बात नहीं है, लेकिन संसार के सुख में आप इतने खो जाओ कि आपको भगवान की कोई आवश्यकता ही महसूस ना हो, ये डरने की और घबराने की बात है। दुर्भाग्यशाली तो वो है जो ये कहता है कि महाराज जी भगवान की बड़ी कृपा है, नाती पोते हैं, बहुरानी बहुत सेवा करती है,
बालकों का कार्य काम धंधा सब बहुत बढ़िया है, भगवान की बड़ी कृपा है। अगर केवल इतने में ही आपको भगवान की कृपा दिखती है तब आपको डरना चाहिए, तब आपको घबराना चाहिए। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते काल खड़े हो सर सांधे, पानी केरा बुदबुद और मानुष की जात। तो जीवन में निष्काम निष्कपट प्रयास, यही सत्संग का प्रसाद है। और यही सत्संग का प्रसाद हो, इसी भाव के साथ 2 मिनट भगवान के नाम का आश्रय लेंगे और फिर मैं कथा में प्रवेश करूंगा।